हम इसका रिविजन करेंगे। ओके लेट्स रीड एंड सिंग। नोजेस, ओके ये वन पोयम है, स्टार्ट करें। आई लुक इन द मिरर एंड लुक एट माई नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट्स ग्रो, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। I looked in the mirror and saw in there the end of my chin and the start of my hair, and between there isn't much space to spare with my nose, like a handle sticking there. If ever you want to giggle and shout and can't think of what do to it about, just look in the mirror and then no doubt you all see how funny your nose sticks out। ये है आपका पोयम जिसे एलिन फिशर जो पोएट है उन्होंने राइट किया है। मीन्स ये जो पोयम है आपकी नोजेस, इसके पोएट कौन है? एलिन फिशर। ओके तो आपका पोयम है आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माय नोज, इट्स द फनीएस्ट थिंग द वे इट ग्रोस, स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट्स सोज, विद टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। मतलब जो है मैं मिरर, मिरर मीन्स आईना, जो है मिरर में क्या करता हूँ, जब अपनी नोज को देखती हूँ तो ये जो मेरी नोज है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, बहुत ही जो है मजाकिया चीज है। जो जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो नोज है ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, बहुत ही मजाकिया थिंग है। इसमें जो है क्या दिखते हैं मुझे? टू होल्स दिखते हैं। आप सभी ने अपनी नोज देखी है, पता है ना आप सभी को, जो कि हमारे फेस में क्या होती है नोज, और इसमें टू होल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? ब्रीथिंग करते हैं, मीन्स इनहेल एंड एक्सहेल, मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, राइट। देन आई लुक टू द मिरर एंड सा इन देयर द एंड ऑफ माई चीन एंड द स्टार्ट ऑफ माई हेयर एंड बिटवीन देयर इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विथ माई नोज लाइक अ हैंडल स्टिकिंग देयर। मतलब जैसे मैं मिरर में अपने आप को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि जो जहाँ से मेरा फेस है, जो मेरे फेस का एंड है वो क्या है? चीन है। और जो मेरे हेयर से मेरे फेस का स्टार्ट होता है और उसके जो बीच में ही क्या है? मेरी नोज है। तो उसे देख के ऐसा लगता है जैसे कोई क्या हो? हैंडल हो। एंड इफ एवर यू वांट टू गिगल एंड शाउट एंड कांट थिंक ऑफ व्हाट टू डू इट अबाउट, जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट यू ऑल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट। और जब कभी आप चिल्लाते हैं और बोलते हैं तो जो है अपनी नोज को देखो, अपनी नोज के बारे में सोचो, मिरर में देखो, तब तुम्हारा जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा कि जो हमारे फेस में, जो आपके फेस में जो नोज है वो कितनी फनीएस्ट थिंग है, कितनी मजाकिया चीज है। मतलब जब हम उसे देखते हैं, हम साउट करते हैं, तो जो हमारी नोज है हमारे बोलने के साथ उसके भी एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया है? जैसे हम अगर लाउडली बोलते हैं तो हमारी जो नोज है वो एकदम से फूल जाती है, फिर कभी एकदम सिकुड़ जाती है, और जब हम टॉकिंग करते हैं, शाउट करते हैं, तो जो नोज है ऐसी हल्की हल्की हिलती रहती है ना। तो वो ये जो चैप्टर है इसमें जो पोएट है वो नोज के बारे में बताते हैं कि जो नोज है वो बहुत ही फनीएस्ट थिंग है, और जो इसमें टू होल्स होते हैं इसके हेल्प से हम क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं।
ओके, इसकी पोएट है, इसकी पोएट एलिन फिशर। देन इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आंसर करेंगे रीडिंग इज फन से। रीडिंग इज फन, इसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does the poet feel that the nose is a funny thing? मतलब poet क्यों सोचता है कि जो nose है वो बहुत ही funniest thing है, funny thing है, मजाकिया चीज है। इसका आंसर देखेंगे। आंसर इज द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट इज स्टक ऑन द फेस लाइक अ हैंडल एंड इट हैज टू लिटिल होल। मतलब जो पोएट है वो नोज के बारे में सोचते हैं कि ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है क्योंकि ये जो है हमारे फेस पर ऐसे चिपकी है जैसे क्या हो, ये एक हैंडल हो और जो इसमें क्या है टू लिटिल होल्स है, छोटे छोटे होल्स है, इसलिए वो उसे फनी थिंग कहता है। देन इसमें क्वेश्चन नंबर टू है, Why is the nose important for you? Nose आपके लिए important क्यों है? Tell me dear students, इस question का answer पता है आपको कि जो nose है वो आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए important क्यों है? Yes, the nose is very important for us. क्या है answer? Nose is very important for us because the two little holes help us in ब्रीथिंग। बिकॉज हमारी नोज में जो टू लिटल होल होते हैं, मीन्स दो छोटे छोटे जो होल होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए हम अपनी नोज को क्या करते हैं, बंद कर दे, ऐसे बंद करके रखें, तो क्या हो जाएगा, कुछ समय के बाद हमारी जो है सांस घुट जाएगी, हमारी जो हम सांस नहीं ले पाएंगे और हमारे अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, काफी समय बाद जो है किसी पर्सन की डेथ हो जाती है। विदाउट जो है ब्रीथिंग हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, जब तक हम सांस नहीं लेंगे, हमारी सांसें नहीं चलेगी तो जो है हम जीवित नहीं रह पाएंगे। और जैसे ही हमारी सांसें बंद हो गई, हमने ब्रीथिंग बंद कर दिया, तो अपने आप ही लाइफ कैसी हो जाएगी, हमारी डेड हो जाएगी। एंड थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज? क्या पोएम में बच्चे को अपनी नोज पसंद है? व्हाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर पसंद है यस राइट करेंगे तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, और पसंद नहीं है तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं, दोनों में ही हमें रीजन बताना है। तो इसका आंसर होगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल राइट करेंगे, द चाइल्ड इन द पोएम डेफिनेटली लाइक्स हर नोज बिकॉज सी टेक्स इट एज फनीएस्ट थिंग दैट स्टिक्स ऑन द फेस लाइक अ हैंडल। मीन्स जो चाइल्ड है पोएम में, उसको अपनी नोज क्या है, पसंद है, और जो है वो क्या सोचता है उसके बारे में कि ये बहुत ही फनीएस्ट थिंग है जो कि हैंडल के जैसे ऐसे नो फेस पर चिपकी रहती है। ओके, देन है, सॉरी, ये जो रीडिंग इज फन है इसके तो थ्री क्वेश्चंस कर लिए हमने। देन आफ्टर है लेट्स स्टॉप। लेट्स टॉक में टोटल टू क्वेश्चन है, अब इन क्वेश्चन के हम वन बाय वन आंसर देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ? जो है आपको, ये आपको करना है क्वेश्चन, इसमें आपको फ्यू फनी थिंग्स के बारे में राइट करना है जो आपने देखा है और जिससे आपको बहुत ज्यादा हंसी आई हो या आप बहुत ज़्यादा हंसे हो, ऐसे टू फनी थिंग्स के बारे में आपको राइट करनी है जिन्हें देखकर आपकी हंसी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई और आप बहुत ज़्यादा हंसे। ओके, ये तो आप खुद ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ राइट किया है, पीपल विद डिफरेंट फेशियल फीचर्स मेक्स मी लाफ।
sometime having flat or very long pointed nose. Sometimes their dressing sense, way of walking and talking also making me laugh. मतलब कई बार जो है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में राइट किया है मैंने कि मतलब जैसे अपना ओन जिसके ऐसा सीन राइट किया है अपना खुद का, जिसे देखकर मुझे हंसी आई कि जैसे जो हम डिफरेंट डिफरेंट जो जो पीपल्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ऐसे मुंह बनाते हैं अपना, उन्हें देखकर भी जो है काफ़ी टाइम हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती है. या फिर जैसे किसी की नोज़ एकदम नुकीली पॉइंटेड होती है, किसी की नोज़ एकदम लंबी होती है लॉन्ग लॉन्ग, किसी की ऐसी ब्रॉड होती है चौड़ी चौड़ी बड़े बड़े से होल, उसे भी देखकर जो है कभी कभी हमारी हंसी कंट्रोल नहीं होती. या फिर किसी का ड्रेसिंग सेंस देखकर, मतलब जैसे कुछ लोग ड्रेस वेयर करते हैं बट उनका जो ड्रेस एकदम कैसा रहता है, अलग ही रहता है, डिफरेंट रहता है, ऑड लुकिंग, मतलब अलग ही दिखता है, वो लोग अलग ही दिखते हैं, तो उन्हें देखकर भी कभी हमें क्या हो जाती है, हम इतना ज़्यादा लाफ करने लगते हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते. कभी कभी जैसे होता है कि हम कहीं मीन्स वॉक करते हुए जा रहे हैं और सपोज़ हमें किसी के वॉक करने का जो वे है पसंद नहीं आता है तरीका, मतलब कुछ लोग अलग टाइप से वॉक करते हैं, है ना, तो उन्हें देखकर भी कभी हम अपनी हंसी जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा होता है ना. ओके, तो ये राइट करेंगे. तो इसमें आप अपना खुद का भी राइट कर सकते हैं कि जो आपको, मतलब आपने ऐसा कोई फनीएस्ट थिंग जो आपने देखा हो और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो भी आप इसमें राइट करेंगे. देन क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट डज फीचर्स मीन. फीचर्स की मीनिंग क्या है वो बतानी है. एंड लुक अप द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख के व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस इन द वर्ल्ड. ओके, फीचर्स के मीनिंग, डिक्शनरी से फीचर्स की मीनिंग फाइंड करनी है. एंड देन आफ्टर जो पीपल्स के जो डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है. तो फीचर्स मीन्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस. फीचर्स मीन्स होता है फेस के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स या भाग. ओके, जो हमें दिखाई देते हैं. द डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स ऑफ पीपल आर हैविंग बिग ब्राइट आईज, लॉन्ग शॉर्ट और फ्लैट नोज, रोजी चीक्स, राउंड एंड ब्रॉड फेसेस, कर्ली सिल्की हेयर्स. ओके, जो पार्ट्स है फेस के वो. द नेक्स्ट है, लेट्स सिंग. इसमें है सिंग दिस सॉन्ग एंड मार्च एस यू सिंग. व्हेन यू कम टू गिंगोर, take two steps back and say 2-3 then start again. There was a girl so tall and thin and fair, her hair was the delicate scent of ginger. Then fun time mein sit in a groups, aapko ek groups mein baithna hai. Then after लुक एट योर फ्रेंड्स फेस एंड डिस्क्राइब वॉट यू सी. देन आफ्टर आपको अपने फ्रेंड्स के फेस को देख कर उसे डिस्क्राइब करना है. और इसके लिए आप वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, लाइक अ लॉन्ग, राउंड, ओवल, स्टैंडर, शार्प, फ्लैट. टू हेल्प यू, यू कैन यूज अदर वर्ड्स ऑल्सो. और आप इनके अलावा भी जो है अदर वर्ड्स का यूज कर सकते हैं. तो इसका आंसर देखेंगे. एट फर्स्ट तो आपको ग्रुप में बैठना है, देन आफ्टर अपने फ्रेंड्स के फेस को अच्छे से देखना है, देन आफ्टर उनके फेस को डिस्क्राइब करना है कि उनका फेस कैसा है, राउंड शेप है, लॉन्ग है, ओवल शेप है, या फिर जो है उनकी नोज लॉन्ग है कि कैसी है, है ना, उनके फेस को डिस्क्राइब करना है. तो यहाँ पर दिया है, माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, सी हैज अ लॉन्ग नोज, हर आईज आर वेरी ब्राइट एंड हर फीचर्स आर शार्प. ओके, अब इससे क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट. ये तो कर लिया कि जो है
माई फ्रेंड्स फेस इज राउंड, मेरी फ्रेंड का जो फेस है वो राउंड है, मीन्स गोल है. सी हैज अ लॉन्ग नोज, उसकी जो है लॉन्ग नोज लॉन्ग है. हर आइज आर वेरी ब्राइट, उसकी आइज जो है बहुत ही ब्राइट है, मतलब एकदम चमकीली है. एंड हर फीचर्स आर शार्प, और जो उसके फीचर्स है वो कैसे एकदम शार्प है. ओके देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इन 8-5 sentence. आपका जो भी फेवरेट फ्रूट है उसका नेम राइट करके उसे 5 sentence में यहाँ डिस्क्राइब करना है. लाइक दिस, आपका जो भी फेवरेट फ्रूट होगा तो माय फेवरेट फ्रूट इज द, आफ्टर अपने फ्रूट का नेम, जो भी आपका फेवरेट फ्रूट होगा लाइक ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, जो भी फ्रूट आपका फेवरेट होगा उसे कहाँ राइट करेंगे, यहाँ पर. सपोज यहाँ पर राइट किया है फेवरेट फ्रूट, माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज. ओके देन डिस्क्राइब इन 5 sentence. अब इसे 5 sentence में डिस्क्राइब करना है. हाउ डज इट स्मेल, ये 5 sentence है, इसके बेसिस पे हमें इन्हें डिस्क्राइब करना है. ओके, हाउ डज इट स्मेल, हाउ डज इट लुक, हाउ डज इट फील व्हेन यू बाइट इट, व्हाट साउंड डज इट मेक, एंड हाउ डज इट टेस्ट. फर्स्ट इज हाउ डज इट स्मेल, तो जो मेरा फेवरेट फ्रूट है ऑरेंज, तो मैं ऑरेंज के बारे में बताऊंगी कि इट स्मेल्स लाइक समथिंग स्वीट एंड सोर, मतलब इसकी स्मेल कैसी है, कुछ मीठी और कुछ खट्टी. समथिंग स्वीट एंड समथिंग शोर, कुछ मीठी और कुछ खट्टी. शोर मीन्स होता है खट्टा. ओके देन नेक्स्ट है हाउ डज इट लुक, ये कैसा दिखता है, तो इट लुक्स राउंड एंड हैज ऑरेंज कलर, मतलब ये राउंड गोल दिखता है और इसका कलर कैसा होता है, ऑरेंज कलर होता है, नारंगी कलर. देन हाउ डज इट फील, हाउ डज इट फील, ये कैसा फील होता है, तो इट फील्स जूसी, मतलब ये कैसा फील होता है, एकदम जूसी, रसदार. एंड वेन यू बाइट इट, वॉट साउंड डज इट मेक, जब आप इसे बाइट करते हैं, खाते हैं, तो इससे कैसा साउंड आता है, तो ऑन बाइट इट डिड नॉट मेक एनी साउंड. जैसे हम ऑरेंज खाती हूँ मैं, तो मुझे उसका बिल्कुल भी कोई भी साउंड नहीं आता है, बट वहीं पर अगर हम एप्पल खाए, गुआवा खाए, तो इनसे साउंड आता है ना. देन हाउ डज इट टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है, हाउ डज इट टेस्ट, तो इट टेस्ट स्वीट एंड सोर, मतलब इसका जो टेस्ट है वो खट्टा मीठा होता है, स्वीट एंड सोर. ओके देन है इसमें दिया था लेट्स एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी आपने की होगी, अ ब्रीथिंग एक्सरसाइज. कौन सी एक्सरसाइज है ये, ब्रीथिंग एक्सरसाइज. इसमें है क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल विथ योर राइट थम, मीन्स आपकी जो राइट नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल मीन्स आपके नोज में जो टू होल्स होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स कहा जाता है. ओके तो आपको अपने जो राइट वाला नोस्ट्रिल है उसको थम की हेल्प से क्लोज करना है. ओके देन आफ्टर इनहेल स्लोली थ्रू योर लेफ्ट नोस्ट्रिल टिल योर लंग्स आर फिल्ड विथ हेयर, देन एयर. देन आफ्टर आपने क्या किया, राइट नॉस्ट्रिल को अपनी थंब की हेल्प से क्लोज कर लिया. अब आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उससे आपको इनहेल करना है, मीन्स सांस लेना है, और इतनी सांस लेना है कि जो आपके लंग्स है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, एयर से फिल हो जाए, भर जाए. Then after, now close your left nostril with your second and third finger. Then after, आपको अपने जो right वाले nostril को क्या करना है, छोड़ देना है, और जो उसी right hand की जो आपकी second and third finger है, second and third finger, उसकी help से second वाले जो left वाला nostril है उसे close करना है, और जो right वाले nostril को ओपन कर देना है. ओके
रिमूव योर फिंगर फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू इट, और फिर जो है अपने राइट लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से जो एयर को अंदर फील किया था, इनहेल किया था, मतलब अंदर सांस लिया था, अब उसे आपने बंद कर लिया। देन आफ्टर आपका जो राइट वाला जिसको आपने क्लोज किया था उसे ओपन करना है, और उसकी हेल्प से आपको एक्सहेल करना है, मतलब सांस को छोड़ना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज स्लोली इन द बिगिनिंग एंड विथ प्रैक्टिस इंक्रीज योर स्पीड। पहले आपको जब तक आपकी मतलब बिगिनिंग है, शुरुआत है, तो आपको इसे स्लोली स्लोली करना है, धीरे धीरे करना है। देन आफ्टर आपको अपनी जो स्पीड है वो इंक्रीज करना है। ओके, जैसे ये जो एक्सरसाइज होती है हमारी, जिसे हम अनुलोम विलोम बोलते हैं, आपने सुना होगा, तो ये एक्सरसाइज जो है हमारे लंग्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये एक्सरसाइज तो हमें एवरीडे करनी चाहिए, राइट? इससे जो है हमारी बॉडी में लैक ऑफ जो ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से जाता है, और हमें कई सारी जो डिजीज होती है उनसे भी इससे छुटकारा मिलता है, है ना? तो ये एक्सरसाइज करनी है आपको। देन है लेट्स राइट। लेट्स राइट इसमें क्वेश्चन दिए हैं 3, इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो अ फिश ब्रीथ्स फ्रॉम इट्स गिल्स? क्या आप जानते हैं कि जो फिश है वो अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करती है? जो उसके गिल्स होते हैं उसकी हेल्प से वो सांस लेती है और छोड़ती है। तो राइट टू sentences about other animals which can breathe under water। ऐसे ही आपको 2 animals के बारे में write करना है जो कि water के अंदर breathe करते हैं। Okay? तो answer है, there are many aquatic animals which can breathe under water। Crocodile and turtle can breathe under water easily। ऐसे ही जो crocodile and turtle है वो भी water के अंदर easily ब्रीथ कर सकते हैं। और जो आपने फ्रॉग के बारे में सुना होगा, तो जो फ्रॉग होता है वो अपने स्किन की हेल्प से ही क्या करता है, ब्रीथ करता है। देन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। मदर फादर नीलम शेड आई हैव गॉट अ फायर इंजिन। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है, मतलब ना तो फुल स्टॉप है, ना कोई कॉमा है, मतलब सीधे सीधे बस राइट किया है। तो हमें इसे क्या करना है, इस पैसेज में प्रॉपरली जहाँ पर करेक्ट पंक्चुएशन आना चाहिए वो राइट करके इस पैराग्राफ को राइट करना है। ओके, लाइक दिस, मदर फादर नीलम सेड आई हैव गॉट अ फायर इंजिन, आई हैव गॉट अ फायर इंजिन। ये जो पंक्चुएशन है, सिंबॉल्स है, इनका यूज किया गया है, चिन्ह बोलते हैं जिसे, सिंबॉल नहीं बोलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स दोज हूज स्मेल यू लाइक। क्या है क्वेश्चन, Using a red pencil, choose the circle, the things whose smell you like. Now with a blue pencil, circle the things whose smell you do not like. Make 5 sentences like this. I like, do not like the smell of because it reminds me of. मतलब जिसकी स्मेल आपको पसंद है उसे आपको रेड कलर की पेंसिल से राइट करना है, और जिस की स्मेल आपको सर्कल करना है, और जिसके स्मेल आपको पसंद नहीं है उसे ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है। ओके, देन आफ्टर इसके ऊपर 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, आई लाइक और आई डू नॉट लाइक के ऊपर, कि मतलब जो आपको पसंद है, मुझे पसंद है और मुझे पसंद नहीं है, इसके ऊपर आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं। लाइक अब यहां से जो है आप क्या करेंगे, आपको जो पसंद है उस पर रेड कलर से सर्कल करना है, और जो नहीं पसंद है उसे ब्लू कलर से करना है। सपोज पेट्रोल, रोज, सैंड, चॉकलेट, चिप्स, ये सब दिया है इसमें, लाइक दिस जो है, आई डोंट लाइक
पेट्रोल स्मेल, मुझे जो है पेट्रोल की स्मेल नहीं पसंद है, डर्टी शूज की नहीं पसंद है, और जो है और क्या है, गार्बेज कचरे की नहीं पसंद है। रोटेन फ्रूट मतलब सड़े हुए फ्रूट्स है ना। और जो आई लाइक, जो पसंद है आपको, उसे ब्लू कलर की पेंसिल से करना है। तो रोज की स्मेल पसंद है मुझे, सैंड, चॉकलेट, शैम्पू जो भी है, तो उसे रेड कलर एंड ब्लू कलर से करना है। ओके, देन आफ्टर 5 सेंटेंस बनाना है। तो आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज बिकॉज इट फिल्स माई बॉडी विथ फ्रेशनेस एंड मेक्स मी फील एनर्जेटिक। मतलब मुझे जो रोज फ्लावर है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ये मेरी बॉडी को पूरा फ्रेशनेस से और एनर्जी से भर देता है। देन आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ डर्टी शूज। मुझे जो है डर्टी शूज की स्मेल पसंद नहीं है, बिकॉज इट गिव्स मी द फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग। बिकॉज जब मैं डर्टी शूज की स्मेल अगर ले लूँ तो मुझे कैसे फील होता है, लाइक वॉमिटिंग, वॉमिटिंग जैसे लगता है, मीन्स उल्टी जैसे लगता है। देन है आई लाइक द स्मेल ऑफ शैम्पू बिकॉज इट रिमाइंड्स मी of my favorite deodorant. And D number, I do not like the smell of garbage because it gives taking order. Then E number, I like the smell of marigold because it gives me the smell of incandescent fragrant sticks used in puja. Okay? देन आफ्टर है लास्ट, लेट सिंग वॉट इज इट, इसे सिंग करना है। देन आफ्टर राइट 3 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। फिर राइट करेंगे टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टीनी टेल एंड हॉप ही गोज, वॉट इज ही, Can you guess? I feed him carrots and water grass. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, teeny tail, and hop he goes. तो अभी हमें क्या करना है? Write 3 pairs of words that rhymes with each. Rhyming words write करने हैं इसमें से. Like this. Nose का goes है ना, ये nose goes, gas water craze, gas water craze, small all, small all, ये small all, okay okay dear student. So that is all today, and today's your homework, आज का आपका homework है।